أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وانا من الحسين صدق الله الذي بلغنا رسول النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسلیما مل کے پڑھیے با آواز بلند پڑھیے جنوں جڑا درود آندا ہے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لنگ گئی عمر وچ تانگ دے کیا بات میں پیا پڑھنا لنگ گئی عمر وچ تانگ دے اکیاں نو کرام کیا بات جیو لگ گئی عمر وچ تاگ دے سونا عربی مائی لگ گئی عمر وچ تاگ دے اکھیاں نو دیدارے کرام نگری غریباں دی بس پوے سبحان اللہ سونا نگری غریباں دی بس پوے اک وار پیرا پاؤں اللہ 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 نگری غریباں اے باد سبا سائکو آکھی اسی مجھیاں کو سائی کول سما سکو کول سما سی مجھے تیڈی موج تو عربی مائی مروے سو اے گال صفا اسی مجھیاں تک ساریاں تین حافظ ساڈی خواب جیاسی مجھے کیا بات دیدار تیرا او جے سبحان اللہ تسیاں نگاواں درج ہو جے عربی سڈا حج ہو وجے مکھلے تو زلفاں ہٹا مائی سڈا حج ہو وجے مینو قسم قرآن مجید دیے عربی سڈا حج ہو وجے مکھڑے تزل پاں ہٹاو لگ گئی عمر
क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नहत ही वाजिब ले तराम वाली मकाम वाली शान उलमाए कराम आशिका ने मुस्तफा गुलामा ने मुस्तफा हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह वादौला शरीक वास्ते जिसकी जात के अंदर सिफात के अंदर शान के अंदर ना ही कोई शरीक है और ना ही कोई शरीक हो सकता है। ला तदाद करोड़ा खरबा दरूदो सलाम उस नबी की जात दे जिस नबी ते दरूदो सलाम इत्थे भी पढ़िया जाता है तो दरूदो सलाम उत्थे भी पढ़िया। अबावे जी वकार आज की बबरकत महफिल पाक दुआ वालियां दे नाले जिक्र मुस्तफा भी है ते जिक्र खान वादा मुस्तफा भी है। माशाल्लाह बड़ा अजीम मजमा अजीम लोग माशाल्लाह ते अजीम ही मिंबर रसूल ते सलाखा तशरीफ फरमाने। मैंने भाई मुश्ताक का हुक्म सी किबला शाह जी साडे पिंड दे अंदर ना तुहाडे नाने मुस्तफा दे नौकरां दे जिक्रे सरकार दी महफिल पाक सजाई मनाई है तो साडा दिल भी तुहानू तुहाडे नाने दे नौकरां दी जियारत ना करवा दी जाए। मैं हकीकत बात है भाई दे आर्डर नूं लोहे दा गाडर समझ के हाजिर हो गया हूँ तो हाजरी मैं इन्नी की पेश करनी है भी जिन्नी सुन के तुहाडा सीना मदीना बन जाए। मेरे बाद इंशाल्लाह लात खानी होगी। मैं जिस दिन भाई और टाइम लिया सी मैं उस दिन इन्होंने गुजारिश की सी मैं क्या इन्हें आख्या पी जी पैसे किन्ने ने मैं क्या पैसे पूछ की गल ना करो मैं क्या पैसे तुहाडी मर्जी दे ने टाइम मेरी मर्जी का है। मैं क्या मैनू टाइम चाहिए इन्ना मैं इस टाइम तो अगे जाना है तो मेरे बाद इंशाल्लाह नात खानी होगी। माशाल्लाह नात खाना नातं पढ़िया ने तुम नात सुनिया ने नात सुन रहे सी मैं भी सुन रहा सी तो मैं खुश भी आता सी खुश सवास ही हो रहा सी भी सरकार के जिक्र के अंदर साइया के नौकर ठरते बैठे ने चूंकि चेहरे को वेख के ना बंदे को पता लग जाता है बंदा राजी बैठा है या नाराज बैठे है। करीम ने इंसान का चेहरा बनाया ऐसा है सारा वजूद रब ने बाबे का फरिश्तों को बनवाया बैठे हो कि टुर गए हो जड़े जाने से तो चले गए ने जड़े नसने से नस गए ने बाकी जड़े रह गए ने अज फस गए ने। हाँ एवं थोड़े थोड़े ना अगर तुम तशरीफ लैके करीब करीब आ जाओ पंद्रह भी मिनट में हाजरी पेश करनी लम्मा जहा खिताब नहीं क्योंकि मैंने पता है बेलिए माशाल्लाह पीछे मेरे बाद सलाखानी पेश करनी जिन्हें कसम चुकी हो मौलवी दे नेड़े नहीं बाणा उन्होंने मैं आखना कुछ नहीं चुके मुसलमान की जबान बड़ी पक्की होंगी है तो जिन्हें कसम ना चुकी हो कदम चुक के साइया के मिंबर के नेड़े नेड़े हो जाओ माशाल्लाह। बाकियों की खैर है जेडे तारीख लब्बैक यार रसूल अल्लाह ले ना वो नौकर साइया के नेड़े हो जाओ। मैं अर्ज पे करना वा बाबी जी वकार मैं भी एक कार कोना नौकर हाँ तारीख लब्बैक यार रसूल अल्लाह का अबावे जी वकार मैं तकरीर शुरू कर दी थी खालक ने जो आदम पाक नू तखलीक कीता सारा वजूद बाबे दा रब ने फरिश्तियां को बनवाया जो वारी आई ना चेहरे दी तो करीम ने अपनी कुदरत वाले हाथों नाल बाबे दे चेहरे नू बनाया बना के फरमाया लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम भी मैं इंसान को बड़ा ही सोहना बनाया मैंने रब की इज्जत ही कसम है ये टूला सतासी चकते रहने वाले उन्हें वाकई आदम को एडा सोहना बनाया इन्हू वेखन तो बाद पता लग जाता भी ये ठरदा बैठा है या सड़दा बैठा है। तुहाडे में चेहरे वेखे ने मैंने मालूम होया भी ये चेहरे जिक्रे सरकार के अंदर सड़न वालिया के नहीं बल्कि मुहम्मद के जिक्र के अंदर ठरन वालिया के चेहरे ये तो गल्ला वो सी जिहड़ियां मैं करके ना तुहाडी तवज्जो पे करांदा सी तवज्जो तां पे करांदा सी मैं कि पिंड दा माहौल है जट बंदे ने जट बंदा घड़ा लै के टुजे ना नलके कोल टूटी तो परां करके धर छड़े सारा देह टूटी खुली रह जाए कदी घड़ा नहीं भरीवेगा घड़ा उदों भरीणा जो तुहाडा मूंह टूटी वाले पासे होगा। मैं क्या सिकरे सरकार सुणाउण तो पहले साइयां दे नौकरां दा सीना मदीने हल कर लवां तो फिर नबी दे इश्क दा पानी पावांगा ईमान वाला घड़ा भरपूर हो जाएगा। अबावे जी वकार मैं तकरीर शुरू कर दी थी क्योंकि तकरीर वास करन वास्ते इलम की लोड़ होती है इलम होवे नाल अमल होवे अगर दोवे छवां हो तो फिर सोने ते सुहागा दा ओ भाई इहनू बंद कर अगर कोई एडा जरूरी है तो आप बाद च इकट्ठे पढ़ लाँगे मेरे आने सवास से नहीं वेख मैं कोई सोना वा इस सवास से जरूर वेख मैं ओदियां गल्लां शुरू कर दित्तियां जिहदे जे सोना जमीए किसे नहीं।
नौकर साइया के थले गोडिया हाथ थले धर के बह बाद औकात बंदा ज्यादा देर गोडिया से हाथ धरी रखे तो बंदा बलदीयत भुल जाता जी। हाँ जिक्र सरकार की महफल है अदब नाल बैठा करो। तुसी खान दे डेरे च बैठे हो तो बड़े अदब नाल बंद हो, यह साइया के जिक्र की महफल है। उत्थे तेरा ज़हन में मते खान की निगाह पै जाए, साइया के जिक्र च बैठा है तो मते जरारा के बाबे की निगाह पै जाए। मैं अभी प्या करना वा, मैं जिक्र मौला हुसैन पेश करने वाला वा। हुसैन कौन है? इस पूरी कैनात के अंदर अपनी कबर हशर नू सामने रख के इंसाफ का तराजू हाथ च पद के अगर तोलोगे तो फिर बोलोगे भी जैसा खानदान रब ने हुसैन इबने अली नू दिता है। क्या इस पूरी कैनात के अंदर ऐसा खानदान किसे और बंदे नू नसीब हो? अल्लाह 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 अल्लाह। हुसैन यो वे 87 वाले हो जेदा नाना नबियां दा सरदार, हुसैन यो वे जेदा बाबा वलियां दा सरदार, हुसैन यो वे जेदी मां जंती औरतां दी सरदार, जेड़ा हुण ना ना बोलिया मैनू गड़े मोड़ तक तकलीफ रानी है, मतलब है हुसैन हो वे जेड़ा नानकियों भी बेमिसाल है। क्या बात, हाथ चा के जेदे हाथ सलामत ने फिर बोले हुसैन नान क्यों भी बेमिसाल, हुसैन दाद क्यों भी बेमिसाल, लोगों हुसैन दा नान का खानदान भी आला है। हुसैन दा दाद ला 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 ला, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे आदरी। यो तवज्जो मेरे अल, इस कैनात के अंदर ऐन मुमकिन है हर बंदा झूठ बोल सकता है। पहले अपनी मंजी थले डगोरी मौलवी झूठ बोल सकता है, हाजी बोल सकता है, कारी बोल सकता है, पीर बोल सकता है, खतीब बोल सकता है, अगर महसूस ना तो करो तो कभी कभी साउंड वाला भी झूठ बोल सकता है, पर मिन मुहम्मद की इज्जत के समय 87 टूले के रहने वाले हो। इस पूरी कैनात के अंदर ना रब का कुरान गलत हो सकता है ना मुहम्मद का फरमान। क्या बात, क्या बात, आका दा फरमाने आली शान है। आका फरमाया साहबा अगर रब पुत्र देवे ए नेमत है, रब धी देवे ते रहमत। सुभान अल्लाह, बेटा नेमत बेटी रहमत। अगर इस हदीस नु फैलाया जाए तो फैल सकती है, क्योंकि मैं खतीब आदमी हाँ, मैं कहना जुमले कदी मुल लैके आने ने तुहानू पता है, जट्टा नु लस्सी वधांदिया देर नहीं लगती, मौलवी नु तकरीर वधांदिया देर नहीं लगती। मैं क्या 100 हाथ रस्सा सिरे ते कढ तुहाडे, मैं अद प्या करना आवा वे सेवकार। आका दा फरमाने आली शान है, बेटा नेमत बेटी रहमत। हुण इस हदीस नु फैलाया जाए तो फैल सकती है, मेरी धी मेरे वास्ते रहमत, तुहाडी तुहाडे वास्ते रहमत, चौधरी मलक दी धी ओहदे वास्ते रहमत, पर मैं सदके ना जावां रसूल दी धी तो। जीओ ए रहमत है उस नबी वास्ते जिहदे बाबे दी शान है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, लोगो जिहदा बाबा पूरी कैनात वास्ते रहमत है, हुसैन दी मां उस रहमत वास्ते। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात, क्या बात। साईं दी हदीसे पाक सुनो, साईं फरमाए साहबा अगर रब धी देवे ते धी हो जाए जवान, ते ओदी हो जाए शादी, जेदे नाल होवे ओदे वास्ते निसफ ईमान। हुण जुमला सुन के जिहड़ा ना ना बोलिया मैनू बड़ी परेशानी बननी है, मैं सदके जावां रसूल दी धी तो, जेदे नाल एदी शादी होई है ओ निसफ ईमान नहीं बल्कि कुल्ले अकमल ते कामल ईमान। क्या बात, क्या फरमाया अगर साहब औलाद हो जाए इहदे पैरां थले औलाद वास्ते जन्नत है, हुण मेरी जन्नत है मेरी मां दे कदमां दे थले, तुहाडी तुहाडी दे थले, मैं सदके जावां रसूल दी धी तो, इहदे पैरां थले जन्नत है उहनां शहीदां दी। जरा नहीं बोलिया मैं कुछ नहीं आखांगा, हो सकता है हुसैन के नाते हर बंदा नहीं ना बोलता, जरा हुसैन इबने अली नाल अकीदत रखता है हत्थां नू झंडे बना के एक बार फिर बोले हुसैन इबने अली तो सदके ए सैयद एडिया नसीबा वाले ने, आप रब की जन्नत के जवाना के सरदार ने, पर अगर अपनी जन्नत तलाश करेंगे तो सारा पाक दिया कदम। सुभान अल्लाह,
और मेरे बाबा जी खिताब करते थे, खिताब कर रहे थे, एक बंदा खड़ा है, कहा शाह जी मेरा एक मसला है, मैंने दसो। आपने फरमाया पूछ की मसला है? उन्हें कहा जी सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा आलिमा दी शान ज्यादा है या अम्मी आयशा सिद्दीका अतीका रफीका महबूबे खुदा दी महबूबा बीवी दी शान ज्यादा है? सैयद गल सुन के ना गुस्से हो गया। उन्हें कहा शाह जी गुस्से क्यों हुए हो? फरमाया बदबख्ता सानू मनन दा आदर है तोलन दा नहीं, सानू मनन दा तोलन दा नहीं। पर मैं जिन्ने तोलिया सी इस घर नू ओदा घर नाल सी, पर ओथे लाठी ना बणियां ने, जिन्ने मनिया सी ओ ओदों वी नाल सी, घर विच वी नाल सी, मजार विच। क्या बात, सुभान अल्लाह। जीओ जीओ। सानू तोलन दा आर्डर नहीं मनन दा आर्डर है। पर मैं मसला तेरे कोलो पुछना ना कि जी पुछो। पर मैं अम्मी आयशा सिद्दीका अतीका रफीका आप दे अब्बे दा की ना है, बैठे हो के टुर गए हो? उन्हें कहते सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। आपने फरमाया तो बिल्कुल ठीक है, क्या है? फरमाया सारा दे अब्बे दा की ना है, अमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफा। फरमाया अबू बकर नौकर साइया दा, ते नौकर दी शान ज्यादा, ते नौकर दी तेरी शान ज्यादा, ते जारा दे अब्बे दी शान ज्यादा। क्या ते अपनी जात गल आके, पर साडा कीदा ए वे अम्मी आयशा सिद्दीका ने आप जन्नत च मुस्तफा दे महल च जान गया, और जारा पाक ने आप जन्नत च मौला अली दे महल च जान। सुभान अल्लाह। ते अली कौन है? सुल्तानुल आरिफीन बोले। सौंड लिया मेरे आले पासे तवज्जो, नाले मुंह करारा हो जाएगा ना। सुल्तानुल आरिफीन बोले, आप फरमा दे इल्म ते पढ़िया अशरा नहीं थी दे जड़े मुटो सात कमीने ओ पित्तल कदी सोना नहीं बनता पावे जड़िए लख लगीने ओ सुल्तान बाऊ आखलाए सतासिया लियो आदा शू मकलो कदी दाद नहीं मिल। क्या बात, क्या पावे हो मन लख हजीने उबाज इश्क अली ईमान नहीं मिलता और मेरा कहां मलबा हो पावे मरिए विच मदीने उबाज इश्क अली ला 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 अली अल्लाह ताला तुहानू चुके सतासी आलियो ले जाए मदीने उदाई खड़ी खड़ू। क्या बात, नारे तकबीर नारे रिसाला नारे राजी बैठे हो कि नाराज बैठे हो? नाराज हो सो मैं किड़ा दाने लेने जे राजी रवे आज। अल्लाह अकबर, जिना कोल पैसे ने ओ एथे ही वेखे ने, जिना कोल कुछ नहीं नबी दे बूए ते वेखे ने। ओ मैं हर साल ना मदीने शरीफ हर साल जाना, मैं पिछले साल नहीं गया तो पिछले साल मेरे नाल एक बुढ़ा बंदा सी ते आया हाजी सी गुजर सी लाहौर दा, 90 साल दी उम्र सी ते असी बाबियां नू अज ते उदों कल्ले होने आ जदों बाबा इजराइल नू चाहिदा होवे ना। सुभान अल्लाह। तरीके लब्बा कर मैं मुखातब हाँ। बाबा हुण सरकार दे बूहे दे सामने खलो के पिया के या रसूल अल्लाह मैं आप नीवी आया, मैं को तुसी सड़वाया, मैं आप नहीं भी आया सही, मैं को तुसी सड़वाया, ते जे सड़वा गिदा ही ने ना सोना, ते जेड़ियां मेरी नीतां नू ओही जान दे ओ, जेड़ियां घिनते आया ओही जान दे वे।
ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆ ਸ਼ੁਰਤਾ ਸ਼ੁਰਤਾ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਹਾਜੀ ਜੀਬਲ ਕਿਬਲਾ ਕਿਬਲ ਅਲ ਮੁਕਰ ਰਸੂਲ ਅਲ ਨਕਰ ਕਿਬਲ ਅਲ ਕਰ ਹੁਣ ਸਰੈਕੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਅਰਬੀ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਅਖੀਰ ਉਸ ਅਰਬੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੋਢਾ ਫਾਦ ਕੇ ਉਸ ਕਿਹਾ ਯਾ ਹਾਜੀ ਜੀਬਲ ਕਿਬਲਾ ਕਿਬਲ ਅਲ ਮੁਨਗਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿੱਛਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਸ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਰੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿਦੇ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਰੀ ਰਹੇ ਸੁਣੀਏ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾ ਹਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੀ ਕਲਾਮ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਣੀਏ ਆਸ਼ਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਮੁਨਾਫਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਨਾਫਕ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਬਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਾ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਹੈਦਰੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਥਾ ਮਮਤਾਜ ਕਾਦਰੀ ਕੋ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਥਾ ਇਲਮ ਦੀਨ ਗਾਜ਼ੀ ਕੋ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਥਾ ਅਲਾਮਾ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ਵੀ ਕੋ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਥਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬਾਂਧ ਕੇ 87 ਵਾਲੋ ਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਜਿਨ ਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰੋ ਕੇ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜੀਓ ਜੀਓ اللہ سلامت رکھے سلامت رکھے ہر چیز مٹ سکتی ہے یہ تحریک لبیک نہ ختم ہوگی نہ ہو سکتی ہے یہ محمد کے نوکروں کی تحریک ہے اللہ کی عزت کی قسم ہر تحریک کو زوال آ سکتا ہے لبیک یا رسول اللہ کو نہ زوال آیا نہ آ سکتا ہے قیامت تک سنیے سنیے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے ذوق کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے سنیے سٹیج والے حضرات سامعین حضرات یہ جو تھوڑی دیر پہلے نا یہ دوسرا سال ہے یہ مولویوں کو پکڑ لو یہ کر لو وہ کر لو شاید یہ تاریخ دبائی جائے گی اس تاریخ میں مجھے بھی پکڑا گیا قبلہ میں بھی پکڑا گیا وہ پھدی گیا تو جب پھدی گیا نا تو کوئی 12 سال دا عمر والا سی چھوٹا جیا تو انہوں نے پھد کے لے آتا سپاہی اور میں کہ انہوں کیوں پھدیا انہوں نے کہا شاہ جی تہاڈے نانے دا عاشق ہے چیک پہ کرنے ہاں کچا ہے یا پکا ہے لا 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 ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਉਣੀ ਪਰ ਸਬੇਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਭਰਾ ਵਾਂ ਓਏ ਪੰਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਲਾ 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 ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੁਣੀਏ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے ذوق کو سلامت رکھے عاشق ایتھے بھی عاشق اوتھے بھی عاشق علم دین جدو راجپال لانتی نو ماریا نا کراڑ پجے انہیں کیا منڈیا نسی نا عاشق رسول ہس کے بولیا انہیں کیا بدبختو نسے ہو جن نے سودا کاٹے دا کیتا ہوئے میں سودا کیتا ہے سیدہ دے نانے نال سائیاں نال سودا ہوئے کاٹا آ سکتا ہی نہیں نہیں کیا بات علم دین آدھا ہے مجھے پکڑ کے لاہور سے میاں علی جیل کے لائے رات پہی صبح ہوئی تو پیر جماعت علی شاہ صاحب آ گئے پیر شمس الدین سیالوی قمر الدین دا بابا آ گیا فرمانے لگے علم دین کو دیکھ کے مسکرا پڑے فرمایا علم دین تجھے دیکھنے کے لیے آئے ہیں جانتا ہے میں کون ہوں علم دین آ کیا پیر جماعت علی شاہ صاحب عرض کر کے حضور چہرے تو معلوم ہوتا ہے کوئی آل نبی اولاد علی ہو سید ویسے ہی سونا ہوتا ہے فرمایا علم دین اور تو نے صحیح پہچانا حضور کدھر تشریف لے کے آئے فرمایا علم دین لوگ سانو ویکھن نو ترسدے نے اسی تینو ویکھن جیو کیا بات کیا بات
इलमदीन अगर तू कहे तो तुझे कुरान सुनाऊं, कह दे वैसे आखे ते कुरान सुनावा तो आन में सुनावा। फिर जमात अली शाह साहब कुरान पढ़िया, वजाऊं अला कमीज़ की वजाऊं, सुभान वजाऊं अला कमीज़ की बिदा मिल कज़िब काला बल सवलत लकुम अल्फुसुकुम अमरा फसबरु जमील। ला 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 इलम दीना क्या बाबा जी आखो ते मैं भी कुरान सुनावा, पर मैं इलम दीन तेरी तारीख दसदी है, कुरान तू नहीं पढ़िया, तरस तू नहीं पढ़िया, एक किथों पढ़ियाई अखा चो अंजू। बाबा जी तुसी फंजी ते बह के उस्ताद दे सामने पढ़िया होना है, तुसी उस्ताद कोलो पढ़िया है, मैं फट्टी ते बह के नहीं पढ़िया, मैं हुसैन दे नाने दिया अखा विचो। सुभान अल्लाह, क्या बात क्या बात, सलामत। बाबा जी मैं कुरान पढ़िया है सईदा दे नाने दिया अखा विचो, फरमाया पढ़ इलम दीन पढ़िया الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بيسبان والنجم والشجر يسجدان. لا 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 قرآن سونا تے ایک باری پھر آکھو تے ٹلے نہ بولو پھر آکھ لو میں صدقے جاواں عاشق رسول تو علم دین آخدا جب آخری بات آئی آخری رات آئی آخری جملہ آخری بات آدھا میرے بارک دا چوکیدار سی نواب دین آدھا دو بجے ایک بجے تے میرے کول بیٹھا سی جدوں دو بجے نہ تے آدھا صبح تے پھانسی ہونی سی سائیاں منہ کر کے آخیا یا رسول اللہ صبح پھانسی ہو جانی ہے دلے جاندی واری پھر زیارت نہ کران دے علم دین آدھا اے راجپال نو مارن تو پہلے سائیاں دا کدی دیدار نہیں سی ہویا جدوں سلامتی نو ماریا پھر کوئی رات ایسی گزری نہیں جس رات حسین دے نانے زیارت کی۔ علم دین آخدا میں منہ مدینے وال کیتا تے سد ماریا یاد ہے میں سد مارن دی دیر سی میری بارک وچ مولا علی آ گئے آدھا جدو مولا علی نو ویکھیا نا اکھاں وچوں ہنجو تے خوش ہویا آدھا خوش میں تاں ہویا بھی میرے سائیں آ گئے نے۔ سبحان اللہ میرے سائیں بولو جڑا سائیاں والا ہے او بولے میرے سائیں آ گئے نے۔ قبلہ اے پیڈا تسی ویکھی ہونی نے آ چردیاں پیاں ہونا تے جدے منہ آ جائے اودے ٹر پوندیاں نے پیڈ اک سائڈ تے ہوئی نا پگیار سی تو ویکھدا اے کچے خود ہی سی उन्हें वेख्या भेड़ सैड से हुई पिछे लगा नसया भेड़ भी जान बचा के बड़ी नसी अगे दल दल सी भेड़ आख्या चलो फदी जाना चलो दल दल च उसको साह लेनी है छाल मारी भेड़ फस गई भगियाड़ बड़ा तेज सी पिछो रुकद वह भी दो गज भेड़ तो अगे भेड़ वेख्या ना फसे नूं वेख के हस पई उन्हें आख्या पुत्र फस गया ना उन्हें आख्या मासी मैं फसिया तू भी तो फसी है भेड़ आख्या पुत्र मैं नहीं फसी फसिया तू उन्हें आख्या मासी मैं फसिया तू किवें नहीं फसी भेड़ आख्या पुत्र मैं हाँ साइया वाली मैं साइया वाली जो गुलाम मोहम्मद शामी भेडा डकड़िया ने ना उन्हें एक एक करके चेक करना है जो मैं नजर नहीं आना पिछे आके मेनू कद के ले जाना सू बस गया तू जे साई को क्या क्या साइया वाला है एक बार हाथ चाह के फिर बोले सुनिए इलम दीन आखदा जब मौला अली पाक नु वेख्या ते अखां च हंजू सी खुश होया मैं कह मेरे साईं आ गए ने फरमान लगे इलम दीन उठ बो तेनू तेरे साईं याद कीता है आधा मैंने सरकार दे आते जबां फदाइए आधे ने जाम है आ खोलिए की वेख्या माम लंबिया नबियां दी सब विच आका इंज करके हथ कीते ने फरमाया इलम दीन आ जा ए ना आखी जान दिती है उस नबी दीदार ही नहीं दिती। सुभान आदा सरकार मेरा मत्था चूम के फरमाया इलम दीन तू साडे नां दी इज्जत कीती है इज्जत दी खातर अपनी जान दा नजराना पेश कीता है इलम दीन जा असी ऐलान पे करने आ नौकर होया साडा भावे 87 दा भावे 88 दा भावे विजयाले दा इलम दीन तेरे नां
दी भी इज्जत करेगा, तेरी कबर को लगा तेरी कबर नो सलाम कर। सुभान अल्लाह। इलम दीन आशिक रसूल ने जो फांसी होने लगी ना तो रस्सा आप फद के गल च पाया। अंग्रेज आके इलम दीन ये खुदकुशी है, आशिक रसूल बोलिया ना कहा पिछा हो खुदकुशी आखना लिया। रस्से कदी किसे नहीं चुमे, मैं ते तां पिया चुमना मेरी सरकार नाल मुलाकात ना पाना। रस्से कदी किसे नहीं चुमे, मेरे साइया नाल मुलाकात का बहाना है। असं भी जिक्र सरकार का ताई कराने साइया नाल मुलाकात का बहाना है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इलम दीन जो तो फांसी हुई मियानिया ने कबर गुस्तान च दफने और आशिका ने रसूल आदि ने यदि कबर चो दिने भी खुशबू आती है राती भी खुशबू आती है। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। अल्लाह हुजूर दा सदका हाजिरी कबूल फरमाए। बल्कि मैं इस वास्ते आखना, सोने की कदर सुनारा तो पुछो, लोहे की कदर लोहारा तो पुछो, वफा की कदर वफादारा तो पुछो, सेहत की कदर बीमारा तो पुछो, फुल्लां की कदर बहारा तो पुछो, चंद की कदर सितारा तो पुछो, कुरान की कदर सिपारा तो पुछो, हुसैन की कदर जान निसारा तो पुछो, और मेरे मोहम्मद की कदर मोहम्मद दे यार। अल्लाह हाजरी कबूल फरमा चुके।